हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें टोटल वैकेंसी 5846 पोस्ट है और इसको प्लस टू पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है गाइस, इसको इंडिया से कहीं से भी फिल कर सकते हैं और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में हम फुल इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार एसएससी ने एक एक माइनर सी चेंजेस की है अपने फॉर्म भरने में, तो मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्म भरते वक्त वो गलती ना कर दें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना और जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप देख लेना अच्छे से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं गाइज, ये नोटिफिकेशन है 1 अगस्त 2020 का और इसमें हम देख लेते हैं कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 नोटिस। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म शुरू होने की डेट वो तो आपको पता लग ही गई होगी कि आज से फॉर्म यानी कि 1 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो इसकी है वो है 7 सितंबर। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है और इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 9 सितंबर है और लास्ट डेट फॉर जनरेशन रेशन ऑफ चलान ऑनलाइन ऑफलाइन चलान आपको जनरेट करने के लिए 11 सितंबर डेट दी गई है और आप इस चलान को बैंक ड्यूरिंग बैंकिंग बैंकिंग आवर्स जो होते हैं बैंक आवर्स होते हैं जो चलान के वो 14 सितंबर तक आप कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो चलिए देख लेते हैं डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी ऑफ दिस दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन इज 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चलेगा ये फॉर्म एग्जाम सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म में आगे बात करते हैं इसके पे लेवल के बारे में। पे इसका जो होगा वो 21,700 से लेकर के आपका 69,000 के अप्रोक्स रहेगा आपका पे स्केल। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की वैकेंसीज। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 3,433 और ये कास्ट वाइज ये कैटेगरी वाइज आप इन वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। आगे देख लेते हैं कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज, वो है 226 और इसको कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं आगे मेल कांस्टेबल एक्स सर्विस कमांडो, कमांडो जो एक्स सर्विसमैन हो गए उनके लिए 243 और इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो बात कर लेते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के बारे में। जो ओपन वैकेंसीज होती हैं फीमेल, आपको मैं बता दूं कि ओपन वैकेंसीज जो हैं वो हैं कांस्टेबल की मेल के लिए और फीमेल के लिए ओपन, यानी कि नॉर्मल मतलब सिविलियन के लिए। ये तो हैं ये जो दो पोस्ट हैं ये तो उनके लिए हैं जो ऑलरेडी किसी और जॉब गवर्नमेंट जॉब में कर चुके हैं, जैसे इंडियन आर्मी के पर्सनल्स और इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के पर्सनल्स के लिए ये पोस्ट हैं 2 और 3। और ये जो 1 एंड 4th है ये है सिविलियंस के लिए, जैसे कि जिन्होंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ली है, यानी कि नॉर्मल पीपल के लिए ये जो वैकेंसीज हैं। तो इसमें फीमेल की देख लेते हैं, फीमेल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,944 और इसको कैटेगरी वाइज ऐसे डिवाइड किया गया और टोटल देख लेते हैं, टोटल है 5,846। तो चलिए आगे देखते हैं गाइज, हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें रखी गई है 18 से लेकर के 25 साल। जो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2002 के बीच आता है तो वो कैंडिडेट्स इसको अश्योर है कि अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा गाइस। और देख लेते हैं स्पोर्ट्समैन की रिलैक्सेशन के बारे में। स्पोर्ट्समैन जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और इसी तरह
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए 40 अप टू 40 ईयर्स के जो आप देख सकते हैं इस वैकेंसी को। तो चलिए देख लेते हैं आगे का। इस बार इस वैकेंसी में जो फर्स्ट टाइम एक एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है जो स्टूडेंट के लिए कैंडिडेट के लिए प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, वो है एनसीसी। इसमें एनसीसी में प्लस मार्क्स दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे वो। तो देख लेते हैं, एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसको 5% का रिलैक्सेशन, मतलब 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसको मैक्सिमम मार्क्स में से। और जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा उनको 3%, और इनके पास ए सर्टिफिकेट होगा उसका उसको 2%। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हाउ टू अप्लाई दिस पोस्ट, इस पोस्ट को हम कैसे अप्लाई करें, तो इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपकी जो पिक है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी पिक जो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी पिक को एसएससी रिजेक्ट भी कर सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात की थी कि आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो एसएससी ने हर बार इस बार जो चेंज किया है अपना, वो है कि फ़ोटो के नीचे डेट जरूर मेंशन की होनी चाहिए जिस दिन पिक को क्लिक किया गया है, यानी कि जिस दिन पिक को कैप्चर किया है उसी दिन की जो डेट है वो पिक के नीचे शो होनी चाहिए। तो यही था इम्पोर्टेंट चीज़ जो मतलब मैंने आप वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर आपने ऐसा नहीं पिक को बिना डेट के अपलोड किया तो शायद एसएससी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे, तो इस बात पे आप गौर फरमाना। तो चलिए देख लेते हैं आगे। बात करते हैं फीस की। तो इसमें जो फीस होगी वो जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए और एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस भी नहीं होगी। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स और जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की जो फीस है, और इसमें फीमेल और एस सी एस टी की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और आप फीस का मोड यूपीआई भीम के द्वारा या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप करवा सकते हो, और SBI चालान के द्वारा भी आप करवा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आगे। बात करते हैं एग्जामिनेशन सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस है, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। इसका जो जनरल नॉलेज है वो 50 मार्क्स की इसमें आएगी, और 50 मार्क्स और यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और रीजनिंग का देख लेते हैं 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 20 क्वेश्चंस रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे, और मैथ की बात कर लें न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर इसमें एडिशनल मतलब इस बार ऐड किया गया है कंप्यूटर इसमें, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर, करंट अफेयर के ये टॉपिक्स हैं यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के टॉपिक्स, इसमें से आपको इन चैप्टर्स में से आपको इन टॉपिक्स में से आपसे पूछा जाएगा जीके में से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है रीजनिंग का सिलेबस, ये आप टॉपिक्स आप देख लोगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप अपना हमारा विजिट करना, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम PET के बारे में, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें आपसे जो है मेल के लिए जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट और 9 इंच, ये जो कैंडिडेट हैं 18 से लेकर 30 साल तक उनके लिए है, और जो कैंडिडेट 30 से लेकर 40 साल के बीच में लाई करते हैं उनके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर, 13 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट 6 इंच। बात करते हैं जो कैंडिडेट 40 ईयर्स के अबव हैं तो उनके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर, 12 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट 3 इंच का। तो चलिए देख लेते हैं आगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया 170 सेंटीमीटर की हाइट
होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो इसमें हिली एरियाज़ के जो कैंडिडेट होंगे, जो हिली एरियाज़ से बिलोंग करते हैं, या मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह की स्टेट से, तो उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देख लेते हैं आगे। और एस टी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का मिल सकता है इसमें रिलैक्सेशन, 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें चेस्ट का जो क्राइटेरिया है, उसमें 81 to 85 तक, 81 अनएक्सपेंडेबल और 85 एक्सपेंड करके जो चेस्ट बनेगी वो। तो देख लेते हैं इसमें। इसमें भी हिली एरियाज को 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगी, और एससी और एसटी कैंडिडेट को भी इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो कैंडिडेट सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल के, जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल के बेटे बच्चे होंगे, उनको भी 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे। फीमेल कैंडिडेट की इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें भी सेम है, मतलब थोड़ी सी चेंजेस हैं। इसमें है 18 से लेकर 30 साल की फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी होगी, और 10 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप इसमें मांगा गया है। और इसमें जो 30 से लेकर 40 साल तक की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच का हाई जंप। बात करते हैं जो कैंडिडेट 40 इयर्स के अबव हैं, उनके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर और 8 फीट का लॉन्ग जंप, और हाई जंप जो है 2 फीट 6 इंच। तो चलिए आगे देखते हैं। हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में जो फीमेल कैंडिडेट हिली एरिया से बिलोंग करती होंगी उनके लिए, और 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा, और 5 सेंटीमीटर दिल्ली के जो सर्विंग रिटायर्ड ऑफ जो पर्सनल है, उनके बच्चे और बेटों को, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। गाइस, बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसमें एक स्पेशल चीज होती है जो डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि हमारे पास वो चीज है, पर उनके पास वो डॉक्यूमेंट होता नहीं शायद, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कई बार कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास अगर नहीं होगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है गाइस। दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, और इसमें मोटरसाइकिल और कार का LMV लाइट मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए, और इसके लिए आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि आपका जब भी, मतलब आपका फिजिकल होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका जो है वो बन जाएगा आपका इजीली। गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपकी फोटो के नीचे जो डेट है पिक को क्लिक करने की, वो डेट मेंशन होनी चाहिए। मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ कैसी पिक होनी चाहिए। जैसे कि ये सैंपल पिक्चर है आपकी, मान लीजिए आपकी ये पिक्चर है, और इसके बिल्कुल नीचे इस तरह, जैसे आज की डेट है 1/8/20/2020, ऐसे आप एडजस्ट करके देख लेना कि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ आपकी, इस तरह से डेट जो है प्रिंट की होनी चाहिए फोटो के बीच में। तो यही चीज इम्पोर्टेंट चीज थी जो इस बार एक्स्ट्रा ऐड की है एसएससी ने। तो आप अपनी साइट पे जाके, एसएससी की साइट पे जाके अपनी जो डे फोटो है वो आप अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आपको इसको इसके 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 बारे में वीडियो चाहिए कि पिक्चर को कैसे अपडेट करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आप अपनी फोटो चेंज कर सकते हो अपनी आईडी में। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना ये फॉर्म अप्लाई कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।